come to survive. Now when I look in your heart. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ई-कॉमर्स एडवाइजर। दोस्तों आज मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि Flipkart पे आप जब लिस्टिंग करते हैं तो आपके लिस्टिंग पे एफ एश्योर्ड का बैच कैसे मिलता है। मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ ये टिप्स को करना है और आपकी लिस्टिंग पे एफ एश्योर्ड मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके शेयर जरूर करना, ताकि आप जैसे जो वीडियो को देख रहे हैं आपके दोस्त भी वीडियो को देखें, ताकि उनको ये इम्पोर्टेंट जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ वो टिप्स उनको। दोस्तों इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ता, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से एक एनर्जी है वो हमारे तक पहुंचती है और उस एनर्जी से हम आपके लिए इम्पोर्टेंट की वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, पहले ही आप ये करते हैं। टॉपिक है हमारा एफ एश्योर्ड। अब ये एफ एश्योर्ड मिलता कैसे है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले आपको बताता हूं एफ एश्योर्ड होता क्या है। एफ एश्योर्ड में क्या है दोस्तों कि एफ एश्योर्ड यानी फ्लिपकार्ट एश्योर्ड कर रहा है आपके प्रोडक्ट को, यानी फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एकदम ओके है, सही है। उसकी एश्योरेंस कौन दे रहा है? फ्लिपकार्ट दे रहा है। ये इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट बताता हूँ। जब भी फ्लिपकार्ट कोई भी प्रमोशन लेकर आती है, डील लेकर आती है, प्रमोशन लेकर आ रही है सारी, तो ये सब के ऊपर जो एफिशोर्ड जिन लिस्टिंग पे लगा होता है उनके ऊपर ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कैसे? कि उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है। सबसे पहले जिनके एफिशोर्ड लगा होगा लिस्टिंग के ऊपर उनकी सेल बढ़ती है, डबल हो जाती है, एकदम से सीधा डबल हो जाएगी सेल प्रमोशन से। अब ये बेनिफिट मिलता है एफिशोर्ड की लिस्टिंग को। अगर आपके लिस्टिंग में एफिशोर्ड लगा हुआ है तो आपको ये सारे प्रमोशंस का, डिस्काउंट का, डील का बेनिफिट आपको मिलेगा। अच्छा, ये बेनिफिट हो गया, लेकिन ये मिलता कैसे? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए करना क्या होगा। आपने जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रखी है फ्लिपकार्ट के ऊपर, फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करने के बाद एक बार आपको अपने लिस्टिंग को दोबारा से रीचेक करना है। चेक करने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको वहां पर करना है। सबसे पहले क्या है कि आपके लिस्टिंग के ऊपर में प्लस और नॉन प्लस का ऑप्शन आता है। आपको क्या करना, सारी लिस्टिंग को नॉन प्लस से हटाकर प्लस लिस्टिंग में करना है। पहला काम सारी लिस्टिंग को प्लस लिस्टिंग में करना है। क्यों करना है, इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि कंपनी जब भी प्रमोशन लाती है तो नॉन प्लस वालों से हटाकर प्लस वाले को सबसे पहले दिखाती है, तो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा दिखता है उसी का प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। तो आपको पहला काम ये करना है कि नॉन प्लस से हटाकर प्लस लिस्टिंग करना। दूसरा, सबसे पहले जितने भी लिस्टिंग आपने कर रखी है उन सभी लिस्टिंग के अंदर शिपिंग जो है वो आपको जीरो करनी है। नेशनल हो गया, जोनल हो गया, लोकल हो गया, सबकी लिस्टिंग आपको जीरो करनी है। अब जीरो अगर करेंगे तो भाई लॉस हो जाएगा, क्योंकि शिपिंग चार्ज उड़ेगा। आपका प्रोडक्ट 200 रुपये का है, 100 रुपये की शिपिंग लग रही है, आप ऐसा कीजिए ना, लिस्टिंग प्राइस को 200 से हटा कर 300 कर दीजिए, आप पहले बढ़ा लीजिए और यहाँ सारे जीरो कर दीजिए। इससे इस आपको मैं बताना चाहूंगा आप कस्टमर के दिमाग से कैसे खेल रहे हैं। कस्टमर आपके पास आपके प्रोडक्ट लेकर देखकर वेबसाइट पे आया, उसने देखा 200 रुपये, उसने कहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, 200 का परचेस किया, जैसे परचेस करा शिपिंग जुड़ गई, 300 रुपये हो गया, तो फिर उसके दिमाग में यार ये तो बहुत महंगा हो गया, तो वो लेगा नहीं। तो मैक्सिमम कस्टमर ऐसे ही अपने प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं वो। लेकिन अब नया कस्टमर आया आपके प्रोडक्ट को देखने के लिए, उसने देखा 300 रुपये का प्रोडक्ट है, उसे प्रोडक्ट को परचेस किया। अब उसके मेंटलिटी क्या है उसकी कि 300 रुपये उसके दिमाग में आ गया, हाँ ये प्रोडक्ट 300 रुपये का है। उसने परचेस किया, शिपिंग लगी नहीं, उसे शिपिंग तो जीरो है, तो उसको अच्छा लगा कि हाँ भाई शिपिंग जीरो मिल रही, प्रोडक्ट है 300 को मेरे को मिल जाएगा, 300 का उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट परचेस कर लेगा। ऐसे आपके नंबर्स ऑफ ऑर्डर इंक्रीज होते हैं। तो ये होता है टॉपिक। आपको आपको प्लस लिस्टिंग करना है, शिपिंग आपकी जीरो करनी। उसके बाद आप की लिस्टिंग पे चेक करना, आपने सब पे डिस्क्रिप्शन आपने डाल रखा पूरा सही से कि नहीं। अगर डिस्क्रिप्शन डाल रखा तो डिस्क्रिप्शन डालिए, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना ब्रांड नेम भी जरूर डालना। आपको एक ब्रांड नेम, अपना जो आपका ब्रांड नेम वो नेम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना सभी लिस्टिंग में। उसके बाद सर्च कीवर्ड और कीवर्ड दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता है। मैं आपको बताया था कि सर्च कीवर्ड और कीवर्ड में क्या डिफरेंस। जैसे आप मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, अब जैसे आपका हो गया एक तरह से मान लीजिए मग आपका प्रोडक्ट है। अब उस मग में ऐसी क्या खासियत है आपके प्रोडक्ट में जो आप कस्टमर को बता रहे हैं, तो उसके बारे में अगर आप बता रहे हो ये कि ये इसके अंदर ये खासियत है, उसको बोलेंगे कीवर्ड, सर्च कीवर्ड ने उसके कीवर्ड।
और सर्च कीवर्ड क्या होता है, जिससे सर्च से आपके प्रोडक्ट को सर्च किया जाए, जैसे जैसे आपका हो गया मग फॉर रेड मग हो गया या स्टाइलिश मग हो गया, ये सारे सर्च कीवर्ड होते हैं। तो सर्च कीवर्ड आपका अलग है और कीवर्ड आपका अलग है, आपको दोनों चीजों को ढंग से मेंशन करना है कि आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है, वो आपने इसमें कीवर्ड में डाल दिया। और सर्च कीवर्ड में जैसे जैसे आपको सर्च कर, सर्च कीवर्ड कहाँ से निकालेंगे आप, कहीं नहीं जाना है, फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है वहीं पे आपने सीधे मग डाल देना। मग डालने के बाद नीचे आ जाएंगे मग के सारे सारे कीवर्ड, बस उसी में से ही टॉप के जो कीवर्ड है आप कम से कम 8-10 कीवर्ड वहां से उठा के आपको इसमें। अरे देवा, सबसे पहले क्या करना है, सारी नॉन प्लस लिस्टिंग को प्लस लिस्टिंग करना है, सारे शिपिंग को आपको जीरो करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है, उसमें आप ब्रांड नेम भी डालना है, सर्च कीवर्ड अपडेट करना है, कीवर्ड अपडेट करना है, उसके बाद ये लिस्टिंग आपको उसमें छोड़ देनी है। ये तरीका अपनाइए, अपनाने के बाद 10-15 दिन के अंदर आपके सारे लिस्टिंग पे एफ ए शॉर्ट का बैच मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको टॉपिक समझाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पूरी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका सपोर्ट ऐसे मिलता है।